तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी अगली राशि की ओर, जो है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों, आपके लिए सितंबर के सेकंड हाफ कैसा जाने वाला है, चलिए इसे देखते हैं। बढ़िया कार्ड्स, ठीक है। तो मिथुन राशि, आपने प्लान तो बहुत सारे बनाए लेकिन एग्जीक्यूटिव भी नहीं किया। मिथुन राशि की बहुत बुरा प्रॉब्लम, प्लान बहुत सारे लेकिन एग्जीक्यूटिव नहीं, ठीक है। आपको ये पता है कि चीजें कैसे करनी है, आपके पास टैलेंट है, हुनर है, लेकिन आप नहीं करते। दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम, लेट मी प्ले टेबल। क्यों करते हो भाई ऐसा, क्यों? लेट मी प्ले टेबल, डू यू रियली वॉन्ट टू बी टेबल? डोंट बी। ओके मिथुन राशि, पिछले कुछ समय में आपने कई सारे प्लान्स बनाए लेकिन उनमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं किया, ये आपको पता है। आपने कई सारे प्लान्स को बनाने के बाद उन प्लान्स पर काम कैसे करना है इस पर सोचा लेकिन कभी काम नहीं किया। आपने कई सारे प्लान्स बनाए, उन पर काम किया और एग्जीक्यूट नहीं किया। आपने कई सारे प्लान्स बनाए, दूसरों को बताए, दूसरों ने वो प्लान्स एग्जीक्यूट किया, सक्सेस हुए और आप वहीं रह गए, ठीक है। आपका भोलापन कह लें, आपकी महानता कह लें, कुछ भी कह लें, आपको यह समझना चाहिए कि आपका जो टैलेंट है वो वेस्ट नहीं होने पाए। मैं सीधे सीधे कहूं, आप अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं पिछले काफी टाइम से, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप अपने टैलेंट को किस तरह से वेस्ट नहीं करें। आपको करना क्या है मैं बताता हूँ, लेट मी प्ले डेविल, इस भूमिका से निकल आइए बाहर, क्योंकि आपको पता है कि लेट मी प्ले डेविल खेलते खेलते आप काफी सारी चीजों को नुकसान उठा चुके हैं, टैरो कार्ड्स में यही खूबी है भैया, मुझे सब कुछ पता चल जाता है। तो आपको लेट मी प्ले अ गुड बॉय अ गुड गर्ल ये खेल, if you are good they cannot ignore you, if you are good they cannot ignore you। तो अब आपको गुड बनना है, गुड बनना आपको आता है लेकिन आप बनते नहीं। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि बुरी चीजें, गलत बातें आपको पसंद नहीं है, आपसे बर्दाश्त नहीं होती और आप उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, ठीक है। समाज सेवा अच्छी चीज है लेकिन कई बार समाज सेवा के चक्कर में अपनी सेवा करना मत, परोपकार ज्यादा मत करिए, करिए लेकिन बहुत ज्यादा मत, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो परोपकार की वजह से। आपका अच्छा होना आपके लिए नुकसानदेह, आपका अच्छा होना आपके लिए न सिर्फ नुकसानदेह है बल्कि लोग आपका फायदा उठाते हैं और आप देखते रहते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि इस बार कोई आपका फायदा उठाए तो उसे उठाने दीजिए, अच्छी बात है, भलाई करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, लेकिन उसे बता दीजिए कि आपको ये पता है, उसे बताइए कि आप जानते हैं, You are aware about it, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो कई जेमिनाइज के साथ जैसा कि होता है उनका ड्यूअल रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होता है और एक तीसरा रिलेशनशिप एयर में होता है या माइंड में होता है, मन ही मन प्यार होता है, आंखों ही आंखों में इकरार होता है, तो वो चलने दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन्वॉल्वमेंट रियल में है तो उसे इस सितंबर थोड़ा दूर, उसे बता दें कि भाई इस सितंबर मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं फला फला चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ तो मैं आपको टाइम नहीं दूंगा, मुझे फ़ोन सुन ना करें, मुझे ईमेल्स ना करें, क्योंकि आपके फ़ोन सुने जाने की संभावना है, ईमेल पढ़े जाने के चांसेस हैं और व्हाट्सएप और एसएमएस पर आप कितना नियंत्रण रख सकते हैं ये आपको पता है। खैर अब आपके लिए मैसेज क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। मैसेज लेकर आया है आपके लिए ये नाइट ऑफ द सोल्स, जी हाँ, एक नाइट जो आपके लिए मैसेंजर की तरह से है, ये बताता है कि वो प्लान्स जो आपने एग्जीक्यूट नहीं किए उन प्लान्स को ध्यान से अमल में लाने की जरूरत है। अब आप कहेंगे कैसे? पूरी तरह से, जितना जोश से हो सके उतना जोश से। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है,
कि आप सिर्फ प्लान करते हो, उसे एग्जीक्यूट नहीं करते। आपको प्लान करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए। सितंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इस सितंबर में अपने प्लान्स को शुरू कर देते हो, हालांकि उनसे उतना रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, लेकिन अगर प्लान को शुरू कर देते हैं, जो योजनाएं आपने सोची हैं उन पर काम करके उन्हें आगे लाते हैं, तो वो योजनाएं फ्यूचर में आपको बेनिफिट देंगी। स्टूडेंट्स, आपको अपनी बुक्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, फालतू की चीजों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए, बिल्कुल ही आपके पास समय नहीं होना चाहिए इन चीजों के लिए। महिलाएं, मैं आपसे कहूंगा किचन में ध्यान रखिए, खाना अच्छा बनाइए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए, और ये सोचना बंद कर दीजिए कि कोई और आपकी लाइफ को रूम कर सकता है। ठीक है, आपका ये सोचना यूजलेस। उसके बाद एक चीज जो कि मैं कहूंगा सजेशन या सावधानी जो आपको बरतनी चाहिए, वो ये कि आप फ्लो में आ जाते हो, बह जाते हो। आपको इस सितंबर में अपने पैसे को संभाल कर रखना है, फ्लो में आकर उसे खर्च नहीं करना। ठीक है, और मनी मैनेजमेंट आपका खराब है, आपको पता है, तो मनी मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स, आगे कुछ वीडियोस बनाऊंगा जो स्पेशली होंगे जेमिनाइज के लिए, वो दूंगा। फिलहाल मनी मैनेजमेंट के लिए सितंबर में जो मेरे पास आइडिया है वो ये है कि जो पैसा जहाँ है उसे वहाँ रहने दीजिए, अपना दिमाग लगाना बंद कर दीजिए, और फालतू की चीज़ों में उसे खराब मत करिए। ओके, छोटा तो नहीं, हाँ, बिजनेस मैन। अगर आप कोई प्लान बना रहे हो तो उसे एग्जीक्यूट कर लो, छोड़ो ना। ठीक है, रिस्क ले सकते हो, आपको रिवर्स है। हाँ, जेमिनाइज, आप रिस्क ले सकते हैं इस महीने। नेक्स्ट मंथ फिर आऊंगा नया प्रेडिक्शन लेकर आपके लिए। ओके, थैंक यू, बाय।